खेल से रिटायर किया था। उनके रिटायरमेंट लेने का यही था कि उन्हें कई इंजरीज लग गई थी। और 2009 में सोंगो सियोशी को WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। 2022 में केविन ओवेंस ने चोंगो के बारे में बात करना शुरू किया और रसलमेनिया 38 पर केविन ओवेंस शो की होस्टिंग की, जिसमें चोंगो गेस्ट थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रसलमेनिया 38 में चोंगो और केविन ओवेंस के बीच मैच होगा। यहां तक कि जब चोंगो ने रसलमेनिया में केविन ओवेंस की चैलेंज एक्सेप्ट की तो सभी ने सोचा कि यह गोल्डबर्ग मैच की तरह एक शॉर्ट मैच होगा। लेकिन सभी को सरप्राइज हुआ जब मैच 40 मिनट्स तक चला हुआ यह एक अच्छा मैच भी था। उस मैच के बाद WWE ने चोंगो के लिए लास्ट ईयर के रसलमेनिया 39 में एक और मैच लड़ने की प्लान बनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चोंगो किसी मूवी की शूटिंग में बिजी थे और रसलमेनिया से पहले इसे टाइम पर पूरा नहीं कर सके। तो गैर उपस्थित